हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। ईपीएफओ असिस्टेंट 2019 की प्री का जो अपकमिंग एग्जाम है उसको टारगेट करके आज का सेशन प्रिपेयर किया गया। आज के सेशन में रोंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स का जो पोर्शन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं, देन अगर कोई क्वांटिटी कंपैरिजन के मिसलेनियस की फॉर्म में अगर बना दिए तो वो भी वही चीज होगी। डाटा सभी सेम से इटसेल्फ वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब तक आपको मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट पे पूरे ये क्लियर नहीं होंगे तो आप डाटा सफिशिएंसी भी नहीं कर। देन आप देखें तो जो एटलीस्ट मेंस लेवल पे जो डीआई फॉर्म होती है आपकी, वो भी किसी न किसी मिसलेनियस टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम पे कर दी, टाइम एंड डिस्टेंस पे कर दी, टाइम एंड वर्क पे कर दी, प्रोबेबिलिटी पे कर दी, किसी भी इस तरह के टॉपिक्स पे ही। बाकी जो कन्वेंशनल डीआई है वो भी आपको पता है, या तो एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, इन पे ज्यादा बेस्ड होती है। लेकिन मेंस में ज्यादा डीआई आजकल दूसरे जो आपके अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स है वो ब्लेड डाउन बोट एंड स्ट्रीम से हो, मिक्सर एंड एलिगेशन से हो, लॉस प्रॉफिट डिस्काउंट से हो, इन दूसरे टॉपिक से ज्यादा डीआई बने। तो कुल मिलाकर आपसे आपके लिए मिसलेनियस से जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स है वो इंपॉर्टेंट। चलिए सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो प्लीज सब्सक्राइब। आज इसका क्वांट का डे 5 है, इसका प्री के पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। पी ऑब्टेंड एंडेड बाय 3% ऑफ द मार्क्स इन ए पेपर फॉर विच द मैक्सिमम मार्क्स वर 300, मतलब मैक्सिमम कितने थे, मैक्सिमम थे 300, तो पी ने कितने लिए, 100/3%। 100% हमेशा क्या होता है, जब भी परसेंटेज का अपने क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो जैसे इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 है, जो परसेंटेज निकलेगी उसको 100%, मतलब यही 100% है, इसी को बेस लेके बनाएंगे, इसको 100 मानेंगे उसी के रेशियो। तो 100/3% उसने किया, इसका मतलब इसका 1/3 किया, तो पी ने स्कोर कितना किया, 1/3 किसका, 300, तो पी का स्कोर है। क्यू इज अहेड ऑफ पी बाय 40% ऑफ पी मार्क, पी मार्क्स, पी ने 100 मार्क्स है तो उसका 40% अहेड ज्यादा, तो क्यू का कितना हो गया 140, भाई 100 प्लस 40% ऑफ 100 तो 40 और जोड़ दो, क्यू का हो गया 140। व्हाइल आर का क्या दिया, व्हाइल आर इज अहेड ऑफ क्यू बाय 2/9 ऑफ हिज ओन मार्क्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, अहेड बाय क्यू मतलब क्यू के मार्क्स कितने हैं 140 है, और 140 से कितना अहीड है वो 2/9 ऑफ हिज ओन, मान लो उसके एक्स मार्क्स थे, तो उसमें से अगर 2/9 पार्ट निकालोगे तो आप इक्वेट कर पाओगे किससे, 140 से, इक्वेशन बन गया। आप अगर इसमें देखोगे तो आई थिंक 7/9x इज इक्वल टू 140, ये हो गया 20 और x की वैल्यू आ गई 180, इसका मतलब हाउ मेनी बार आर गेट, आर ने कितने की 180। तो थोड़ा सा बस यहां एक इसमें वो था कि आपको समझने की जरूरत थी, बाकी और क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं। नेक्स्ट देखिए, पर्सन वांट्स टू बाय ए मोबाइल विच कॉस्ट रुपीज 1870 विच इंक्लूड्स 10% जीएसटी, मान लो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस मोबाइल की मैंने ले ली 100%, तो ये जो 187 है और जीएसटी कितना है 10%, तो ये जो 110% है इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1870, यही है कुल मिला के बात। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ द प्राइस ऑफ द मोबाइल इज रिड्यूस्ड एज मच द जीएसटी पेड देन फाइंड द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ मोबाइल, मतलब कुल मिला के आपसे ये पूछा है कि जीएसटी कितनी है। अब आपको पता है कि 110% की वैल्यू 1870 है, तो इसमें अगर मैं ये निकालूं कि एक तरह से इसमें 10% जीएसटी है, तो 10% की वैल्यू निकाल लो तो भी डायरेक्ट निकल जाएगा, 100 निकाल के और फिर इसमें से दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी निकल जाएगा। अगर मैं 10% करता हूं तो 10% की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 10 × 1870 / 110, ये आपका यहां से कैंसिल आउट हो गया 11,
170, तो ये 10% की वैल्यू क्या आई, 170 जीएसटी यही है। तो वो कह रहे हैं कि इफ द प्राइस ऑफ द मोबाइल इज रिड्यूस एज वाज द जीएसटी पेड, तो जितना जीएसटी पेड किया उतना रिड्यूस कर रहे हो, तो आंसर क्या आ गया 170। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ए बोट टेक्स टोटल 11 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है डाउन स्ट्रीम, और फ्लो इस तरफ है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में है बी, एंड रिटर्न बैक टू पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी, और यहां तक वो वापिस भी आ रहा है। ठीक है, फ्लो तो यही है, इस तरफ ही है, इसका मतलब ये जो वापिस आएगा तब उसको क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम डायरेक्शन हो जाएगी, और जब वो जाएगा तब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा। ये कोई पॉइंट सी, अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस को अगर डी लेता हूं तो ये कितनी आ गई, बी और सी के बीच में डी बाई टू हाफ है। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट को मैं एफ ले लेता हूं, ये 8 किलोमीटर पर आवर दे दिया, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को वाई ले लेते हैं, ये ले दिया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, डी आपसे पूछी है कि डिस्टेंस क्या है, तो टोटल टाइम आपको 11 है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसने क्या किया, सबसे पहले आप बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड से करो, फॉर्मूला भी इसका है, बट कई बार आपने भूल जाते हैं फॉर्मूला, जाओ तो कन्वेंशनल मेथड से करो। अब वो करें टोटल 11 आवर है, तो 11 इज इक्वल टू क्या हुआ, जो ए से बी तक वो आया, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की डी, स्पीड क्या थी डाउन स्ट्रीम में, स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स प्लस आई 8 + 2 प्लस, जब वो वापिस आएगा तो डिस्टेंस कितनी डी बाई टू हाफ इसकी, और डाउन अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी दोनों का डिफरेंस 8 - अब इसको आप जितना जल्दी सोल्व कर लो, 11 इज इक्वल टू डी अपॉन 10 और ये हो गया आपका डी अपॉन 12। अगर इसमें आप देखें 60 अगर मैं लूं तो 6D + 5D, तो ये हो गया 11D / 60 इज इक्वल टू 11, 11 से 11 कट गया, D इज इक्वल टू हो गया 60 किलो, यही आपसे उसने पूछा है। रूवेल गोज टू ए मल्टीप्लेक्स एट द स्पीड ऑफ 3 km/h टू सी ए मूवी एंड रीच 5 मिनट्स लेट, ले ये जो भी है ये रूवेल जो है ये मल्टीप्लेक्स में जाता है और स्पीड इसकी S1 क्या है 3 km/h और ये पहुंचता है 5 मिनट लेट। जब ये स्पीड बढ़ा देता है, इफ सी ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 4 km/h, अगर इसने स्पीड बढ़ा दी और ये कर दी 4 km/h, तो क्या पोजीशन हुई 5 मिनट जल्दी पहुंचे। तो दोनों में अगर मैं देखूं डेल्टा टी जो डिफरेंस ऑफ टाइम है वो कितना हो गया, एक 5 मिनट पहले और एक 5 मिनट बाद, तो डिफरेंस हो गया 5 + 5 = 10 मिनट्स का डिफरेंस इन स्पीड की वजह से हो जाता है। डिस्टेंस दोनों बार एक ही ट्रेवल की, कॉन्स्टेंट क्या है डिस्टेंस, भाई दोनों केसेज में डिस्टेंस आपकी कॉन्स्टेंट है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, जितना टाइम लगा और जो स्पीड रही। अब इसमें फर्स्ट टाइम मान लो टी आवर लगे, तो सेकेंड टाइम कितने लगे t + 10/6, 10 मिनट है, 10 मिनट के अगर मैं आवर्स बनाऊं तो 10/1/4। तो अगर आप ये देखें कि पहले डिस्टेंस दोनों बार कॉन्स्टेंट है, तो S1 into जो पहले t इज इक्वल टू S2 t - 1/6, यही तो हुआ। अगर इसकी मैं वैल्यू रखता हूं तो 3 into t = 4 t - 1/6, तो ये t इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3 आवर, ये आपका t की वैल्यू आ गई। t की वैल्यू आप जिसमें भी रखोगे t की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछा कहते हैं राउंड डिस्टेंस, दोनों डबल पूछा है, तो डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस कितनी है, अगर s1 into t में मैं रखूंगा तो s1 स्पीड है 3 × 2/3 2 किलोमीटर एक साइड, तो टोटल कितनी आ गई 2 × 2 = 4 किलोमीटर। सेकेंड अगर आप देखें कि जो डिफरेंस ऑफ टाइम ये किस वजह से हुआ, टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिफरेंस ऑफ टाइम t1 - t2 जो है डिफरेंस ऑफ टाइम है 1/6 इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस
एक साइड की डिस्टेंस मैंने डी मान ली है, डी अपॉन थ्री माइनस डी अपॉन फोर, यही तो हुआ टाइम का डिफरेंस भाई। पहला टाइम उसको लगा, दूसरा टाइम लगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों। अब अगर इसको मैं 12 लेता हूं तो ये आपका ऊपर चार और ये तीन, तो डी डी एक बटा छह, छह से दो कट गया, यहां से भी आपका डी आ गया 2 किलोमीटर और ये एक साइड का आया, तो टोटल डिस्टेंस जो अप डाउन की, इसने राउंड डिस्टेंस पूछी है मल्टीप्लेक्स की फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड बैक, तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2 4 किलोमीटर। तो आप किसी भी तरीके से निकाल लें, कोई लंबा नहीं। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इज ₹60। दो साल में अगर आप वैसे देखो इसको, फॉर्मूले पे मत जाओ, आप एक बार अपने वैसे ही देखते हैं इसको, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दो साल का क्या होगा, 2 गुना सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ परसेंटेज में अगर मैं निकालू तो 2 गुना आर, आर है 10%, तो 20% और यहां प्रिंसिपल कितना हो गया 100%, राइट। और जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालोगे तो इफेक्टिव परसेंट से कितना निकल जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, तो ये निकल गया आपका 21%। डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, 1% का, और 1% की वैल्यू आपको दे दी 16। तो प्रिंसिपल यहां से मैं निकालना चाहूं तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 1600, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। अब आपसे पूछा है कि ये तो कंपाउंडेड कब था, एनुअली था। अगर ये हाफ ईयरली होता, हाफ ईयरली होता तो क्या हो जाता, आर डैश अगर मैं कहूं उसको, तो वो तो हो जाता 10 बटा 2 5%, हाफ ईयरली 5% आ जाता, वो टीपी टोटल कितनी आ जाती, 2 की बजाय 4। तो आप इनको इफेक्टिव परसेंट से निकालोगे, जैसे ये 5 5 5 एंड 5 चार बार हो गया, 5 और 5 का अगर आप निकालोगे, 5 और 5 का इफेक्टिव परसेंट करोगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 बटा 100, तो ये 10.25 है। दोबारा जब 10.25 और 5 का आप करोगे तो 10.25 प्लस 5 15.25 भाई, 10.25 प्लस 5 और प्लस 10.25 इनटू 5 और बटा 100, ये 20 कट गया। और ये अगर आप देखोगे तो कुछ आगे हो रहा है, तो 10 और 5 15.25, एक तरह से 15.76% आ गया है, यहां था ये 15.76 आ गया। अब लास्ट में आप 15.76 और 5 का और निकालो, थोड़ा लंबा हो गया, तो यहां आप थोड़ा सा ऑप्शन जरूर जाके देख लेना। आप इनको देखोगे 15.76 और 5, तो ये तो हो गया 20.76 प्लस क्या जुड़ेगा, 15.76 गुणा 5 और बटा 100, ये 20 हो गया। 20 को आप देखोगे तो करीब करीब आप 3/4 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 0.75 ये, तो 20.75 और 0.75 करके 21.55 या कुछ ऐसा ये परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा। तो इसने पूछा है कि जब इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली द डिस्टेंस इन टू इंटरेस्ट विल बी, तो उस वक्त सिंपल इंटरेस्ट और इस इंटरेस्ट का जो फर्क है वो कितना रहेगा, तो ये उसमें 20% था, इसमें 21.5 था, तो 1.55 हो जाएगा। 1.55 कितना हो जाएगा, 1600 का, तो 1600 का आप 1% हो गया 16, और फिर आधा परसेंट आपका 8 और हो गया, तो 24 रुपए 40 पैसे 50 रुपए कुछ इस टाइप का, इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकाल लें, जैसा ऑप्शन, मतलब इसको पूरा सोल्व करने के बजाय जितना जल्दी आप ऑप्शन पे चले जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब 2 साल का हाफ ईयरली हो जाता है तो फिर थोड़ा सा टाइम, या फिर आपके 5% 10% 20% ये कुछ परसेंटेज 2 साल के 3 साल के याद हो तो आप सीधा वहां चले जाएंगे 3 साल वाले पर, 1 साल का फिर और निकाल के जल्दी निकाल पाए, राइट। तो इस तरीके से इसको आप शो कर सकते। नेक्स्ट देखिए क्या है, द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1550 इज थ्राइस द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹1350, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब इसमें प्रॉफिट क्या होता है, सेल प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस, अगर मैं इसको एस और सी लू तो एस माइनस सी, और लॉस क्या होता है सी माइनस एस। लॉस आपका तब होगा जब कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा होगी, सेल प्राइस आपकी कम। यहां इन्होंने क्या दिया है कि जो प्रॉफिट एस माइनस सी, एस कितना है उस वक्त, एस वन आपका 1550 है, तो 1550 माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये वो आपका प्रॉफिट, और कौन से लॉस से तीन गुना है, थ्री टाइम्स ऑफ किसका, जब ये 1350 में इसको बेचता है तो सी माइनस 1350, राइट। तो 1550 माइनस सी इज इक्वल टू 3c माइनस 4050, 4c इज इक्वल टू 5600 और सी इज इक्वल टू 1400। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 1400। द एवरेज एज ऑफ द मेल इन कंपनी 36 ईयर एंड दैट ऑफ द फीमेल इज 35। मतलब मेल की एवरेज है 36 एंड फीमेल की एवरेज आपके कंपनी में होगी 35 इयर्स। तो एवरेज ऑफ द एम्प्लॉयज, ओवरऑल एवरेज पूछा है, ओवरऑल एवरेज क्या होगी। तो इसमें आपको देखते ही लगना चाहिए कि भी मेल की संख्या भी नहीं है, फीमेल की भी नहीं है, जबकि दोनों की चाहिए आप, यहां एक भी नहीं है, तो आंसर कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ रोंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, और रोंग हो या मिसिंग, कुल मिला के आपको उसका पैटर्न देखे किस तरह से उसकी क्या चाल डाल है, किस वो रैपिडली बढ़ रहा है, स्मूथली बढ़ रहा है या घट रहा है, या कोई ऐसे डिजिट्स हैं जिनको देखते ही अपने को दिमाग में क्लिक कर रहा है, तो कुल मिला के आपको पैटर्न ही उसमें फाइंड करना। जैसे पैटर्न आपके एक बार पकड़ में आ गया तो रोंग नंबर में कोई एक जो नंबर है वो गलत है, वो फिट नहीं है उसमें, और मिसिंग में एक जगह क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आपको एक नंबर फाइंड करना। तो फर्स्ट देखें तो 7, 13, 21, 33, 43, 57, 73 असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है और स्मूथली इंक्रीज हुआ। 7 और 13 6, 13 और 21 8, 21 और 33 12, और ये हो गए आपके 10, और ये हो गए 14, और ये हो गए आपके 16। तो आप इसमें देखोगे डिफरेंस में तो 6, 8 के बाद या 10 होता तो एक वो मतलब आपका पैटर्न बनता, ये 10 होता, अगर ये 10 होता तो 21 प्लस 10 ये 31 होता, और ये 31 होता तो ये 12 हो जाता, आगे आपका पूरा सिस्टम सही चल रहा है। तो 6, 8, 10, 12, 14, 16 मतलब जो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में देखूं तो क्या हो गया, दो दो, तो जो डिफरेंस है वो दो दो से बढ़ता जाए, तो रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ 33, इसकी जगह क्या होना चाहिए था 30। नेक्स्ट अगर देखें 2.5 है, 1.5 है, 2 है, 5 है, 19 है, 92 है। अब आप देखोगे बढ़ रहा है और बढ़ने की स्पीड भी अच्छी खासी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप आगे देखा, मतलब बिगनिंग से आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैं यहां देखूं तो ये इसका करीब करीब कितना गुना है, करीब करीब 6 टाइम्स है, इसमें कुछ घट बढ़ रहा होगा, ये 5 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये 3 है, और ये 2 है, ये 1 है। अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं, 2.5 × 1, मैं ये मान लेता हूं ये सही है, तो 1.5 के लिए मुझे 1 घटाना पड़ा, और यहां भी 1 घटाना पड़ा, और यहां भी 1, और यहां भी 1, तो इसका पैटर्न तो मेरे पकड़ में आ गया कि इनसे 1, 2, 3, 4, 5 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें से एक माइनस होता जा रहा था। 1995 में से एक गया 94, इसको 92 इज रॉन्ग, 94 चेक करने के लिए 94 को अगर मैं 6 से करूं तो 94 को मैं मानूंगा या तो 100 माइनस 6 मानू तो 600 में से 36 घटाऊ, या 90+4 मानू इसको, 90+4 तो 9×6=54 और 6×6=24 कितना हो गया 564 हो गया, उसमें से अगर मैं 1 घटा दूंगा तो 563 मुझे मिल रहा है, तो मेरा चेक नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 15 है, 27 है, 47 है, 77 है, 119 है, 167 है, 247, देखते ही आपको लगेगा कि इंक्रीज है बट स्मूथ इंक्रीज है, तो किसके लिए जाए, डिफरेंस के लिए। तो 15 और 27 ये 12 है, ये 20 है, और 47 और 30 77 ये 30 हो गया, और ये 23 और 20 43 42 हो गया, और ये अगर मैं देखूं 19 50
अगर मैं इसमें जोड़ूं तो 49 48 हो गया, 48 ही हुआ क्या, 48 और 20 68 बिल्कुल हो गए, और ये 67 तो 33 और ये 80 हो, तो डिफरेंस में तो कुछ ऐसा नहीं निकला, बट डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 12 और 20 का 8 था, 20 और 30 का 10 है, और 30 और 42 का 12 है, तो 8 था 10 था 12 था, तो ये 14 होना चाहिए। अगर ये 14 कब होगा, 42 के बाद में, यहां 14 होगा तो ये होगा 56, तो ये मैं 56 कर लेता हूं और ये कर लेता हूं 14, एक बार 56 अगर मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 56 और 20 तो ये 175 आ गया, और 175 आते ही यहां कितना आ गया, 25 और 40 65 और 7 72 72, 56 और 16 72, ये बिल्कुल आपका पूरी सीक्वेंस बन गई, इसका 167 इज द रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए 11 है, 16 है, 42 है, 131 है, 584 है, 294, देखते ही आपको लगा बढ़ भी रहे और रेपिडली बढ़ रहे हैं, तो है तो मल्टीपल का, मल्टीपल के साथ कोई दूसरा साथ मर्जिंग होगा, तो अगर मैं यहां देखूं 584 और इसको, तो करीब करीब अगर मैं 5 से इसको करूं, 5 टाइम्स है ऑलमोस्ट, तो ये 5 है और ये 6 है या 4 है या 5, तो अगर इसको ये 4 के ही आसपास है, ये 3 के आसपास है, और इसको 2 और इसको 1 ले लेता है, क्योंकि यहां आपको बिगनिंग में पता नहीं चलेगा, ये आगे से ही पकड़ना पड़ेगा, तो 11 इंटू 1 प्लस 15 और 16 दुआ 32 प्लस 10, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो पहले 1 है, एक एक से बढ़ रहा है, और साथ ही जो सम ऐड हो रही है वो 5-5 से बढ़ रही है, 5 थी 10 थी, तो क्या यहां 15 है क्या, 42 को 3 से अगर मैं करूंगा तो 126 आ गए, तो ये तो 5 हो रही है, तो इसको अगर मैं एक बार ये मान लेता हूं कि ये गलत है और ये 141 होनी चाहिए, 141 होगा तो यहां 15 आ गए, तो यहां मैं इसको चेक कर लेता हूं, 141 को 4 से मैं करूंगा तो 14 56 560 564 और 20 84 बिल्कुल सही हो रहा है, और 584 को 5 से आप करोगे तो कितना आ गया, 2501 आ गया, 401 29 20 और 25 2945 बिल्कुल टेली हो रहा है, तो क्या हो गया, 131 इज द रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए 81 है, 54 है, 54 है, 72, जब भी कोई बड़ी संख्या है फिर छोटी है फिर वही रिपीट हो रही है और फिर बढ़ते हुए क्रम में, पॉसिबिलिटी क्या है मल्टीपल। अब 51 को 54 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 81 को मैं कितने से 24 डेढ़ 81 है तो 2/3 से करूं तो ये 27 54 हो गए, तो ये इंटू 2/3 वाला, और ये क्या हो गया 3/3, ठीक है, एक को मैं 3/3 लिख सकता हूं, आगे देखता हूं पॉसिबिलिटी, आगे वाला अगर मैं देखूं क्या 4/3 से हो रहा है, 4/3 को मैं करूंगा तो 18 18 4 72 बिल्कुल हो रहा है, 5/3 से अगर मैं करूं तो 2/3 3/3 4/3 और 5/3, तो 72 को 5/3 से मैं करूंगा तो ये हो गया 24 5 120, तो 121 गलत आ रहा है इस हिसाब से, 120 को मैं 6/3 से करूंगा तो वैसे 240 हो गए, 6/3 मतलब डबल, 120 का डबल 240 हो भी रहा है, तो 121 इज द रॉन्ग। तो इस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करना कि उसकी जो चाल डाल है उसको देख के आपको ये पता चल जाए जितना जल्दी कि ये मल्टीपल की सीरीज है, डिवीजन की सीरीज है या डिफरेंस की सीरीज है, बड़ी यही सीरीज होती है डिफरेंस और मल्टीपल। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए प्लीज मुझे लिखिए, मैं देने की कोशिश करूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड नेक्स्ट।